रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनी गिवन पावर सीरीज को निकालने के लिए हम लोग कॉसिस सेट ऑफ लिमिट्स को यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1 बाई ए एन, और एक फॉर्मूला होता है 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन टू द पावर 1 बाई एन, जिसमें से ये जो सेकेंड फार्मूला है इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को जो पावर सीरीज दिया जाता है जिसका जनरल फॉर्म होता है ए समेशन ऑफ ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन वेयर समेशन बिलोंग्स फ्रॉम एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। इसमें ये जो इसका कोएफिशिएंट है ए एन, ये यदि एन के किसी पावर से रेज्ड हो तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, और यदि ये जो ए एन है वो किसी एन के किसी पावर से अगर रेज्ड ना हो तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इससे संबंधित जो भी थ्योरी है उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है, और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई टैब में जो लिंक आ रहा है उसमें जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि किसी भी दिए गए क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे फाइंड किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि ये जो पावर सीरीज दिया गया है समेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल एन, जहाँ पे एन बिलोंग करता है जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसमें हम लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। लेट्स सॉल्व इट। हम लोगों को जो पावर सीरीज दिया गया है, गिवन पावर सीरीज इज समेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल एन, एन इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। हम लोग इस दिए गए पावर सीरीज को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाई फैक्टोरियल एन इंटू एक्स टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, हम लोग इस दिए गए पावर सीरीज को कंपेयर करेंगे, जो पावर सीरीज का जनरल फॉर्म होता है, कंपेयर इट विथ जनरल फॉर्म है हम लोग का ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट का पावर एन, जहां पर एन है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट ए एन इज इक्वल टू वन बाई फैक्टोरियल एन। इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लें। आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे एक्स नॉट वाला टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स वाला टर्म है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस जीरो टू द पावर n, x टू द पावर n को आप x माइनस जीरो टू द पावर n भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n से, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स नॉट जो है वो जीरो के बराबर है, और एक्स नॉट जो होता है किसी भी पावर सीरीज में वो उसका सेंटर के बारे में बताता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पावर सीरीज हम लोगों को दिया गया है इसका सेंटर जीरो है, यानी कि इसका सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, फिलहाल हम लोगों से क्वेश्चन में उसके बारे में नहीं पूछा गया है तो हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो ए एन है ये एन के किसी भी पावर से रेज्ड नहीं है, तो जब कोई ए एन एन के किसी पावर से रेज्ड नहीं होता है तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कुछ ऐसा है, वन बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस वन बाई ए एन। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोगों को ए एन प्लस वन भी चाहिए। तो चलिए हम लोग अगर इक्वेशन वन में एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दें तो हम लोगों को ए एन प्लस वन मिल जाएगा। तो लिखे रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस वन इन अबव इक्वेशन वी गेट ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई फैक्टोरियल एन प्लस वन। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, ए एन प्लस वन बाई ए एन के वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, नाउ ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन का वैल्यू है वन बाई फैक्टोरियल एन प्लस वन, और ए एन का वैल्यू है वन बाई फैक्टोरियल एन। हम लोग
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू फैक्टोरियल एन बाय वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन प्लस वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू वन बाई एन प्लस वन। ओके, अब इस वैल्यू को हम लोग यूज कर लेंगे अपने फॉर्मूला में, तो हम लोगों का फॉर्मूला जो है देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ गिवन पावर सीरीज विल बी गिवन बाय, जो फॉर्मूला है हम लोगों का वन बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस वन बाई ए एन। तो इस वैल्यू को हम लोग यहां से यूज कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये है वन बाई एन प्लस वन। यदि हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे यूज कर लें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस वन भी इन्फिनिटी देगा, वन बाई इन्फिनिटी आ जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो होता है तो फिलहाल हम लोग को वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू वन बाई इन्फिनिटी ही रहने देना है। वन बाई इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ से r का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो लिमिट होता है r का वैल्यू जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि R का वैल्यू इन्फिनिटी हो तो इसका मतलब होता है कि जो दिया गया पावर सीरीज है वो पूरे प्लेन पे कन्वर्ज करता है। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, R का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बहुत एक छोटा सा परिवर्तन है, अब हम लोगों को x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n के जगह में यहाँ पे वैल्यू दिया गया 2 टू द पावर n प्लस 3। हम लोगों को इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो सेम प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। गिवन पावर सीरीज इज x टू द पावर n बाय 2 टू द पावर n प्लस 3, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और हम लोग इसको कंपेयर करेंगे या हम लोग इसको एक बार और आगे बढ़ाकर कैसे लिख लें। अब वैसे आप लोगों को आदत हो गई होगी, चलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एन वाले टर्म को अलग कर दिए और एक्स वाले टर्म को अलग कर दिए। कंपेयरिंग दिस विथ, इसे हम लोग जो पावर सीरीज का जनरल फॉर्म होता है उससे कंपेयर कर लें। जनरल फॉर्म है ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ए एन का वैल्यू वी गेट ए एन इज इक्वल टू वन बाई टू टू द पावर एन प्लस थ्री है, इसे हम लोग इक्वेशन वन मान लें। और हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि एक्स नॉट का वैल्यू यहाँ पर जीरो के बराबर है, यानी कि ये पावर सीरीज भी हम लोगों का इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे होगा। इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोगों को ए एन प्लस वन भी चाहिए तो हम लोग रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग एन बाय एन प्लस वन, तो हम लोगों को क्या मिलेगा ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू टू द पावर एन प्लस वन प्लस थ्री। ठीक है, अब हम लोग जरा ए एन प्लस वन बाई ए एन का वैल्यू निकाल लें क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ए एन वाला टर्म है ये ए एन वाला जो टर्म है ये एन के किसी पावर से रेस्ड नहीं है, तो हम लोग जनरल जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए ए एन प्लस वन बाई ए एन और इसका वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा वन बाई टू टू द पावर एन प्लस वन प्लस थ्री बाई वन बाई टू टू द पावर एन प्लस थ्री। ठीक है, इसे हम लोग
थोड़ा सा ऐसे लिख लें, टू टू द पावर एन प्लस थ्री बाई टू टू द पावर एन प्लस वन प्लस थ्री। हम लोग यदि ऊपर में टू टू द पावर एन को कॉमन निकाल लें तो ये वन प्लस थ्री बाई टू टू द पावर एन हो जाएगा, और नीचे में यदि टू टू द पावर एन को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे टू प्लस थ्री बाई टू टू द पावर एन बच जाएगा। टू टू द पावर एन प्लस वन का मतलब होता है टू टू द पावर एन इंटू टू। वैसे आपके लेवल पे इन बातों को बताना हास्यास्पद है, उम्मीद है आप लोग समझते होंगे। तो यहाँ पे टू टू द पावर एन टू टू द पावर एन से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ऐसा इसको क्यों करते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी का लिमिट है, जहाँ पर जो हम लोगों का वेरिएबल है वो इन्फिनिटी टेंड्स टू है, और उस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाया जाता है। क्लास 11 12 में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हम लोगों को वैल्यू मिला ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू वन प्लस थ्री बाई टू टू द पावर एन बाई टू प्लस थ्री बाई टू टू द पावर एन। ठीक है, अब हम लोगों को इस वैल्यू को सिर्फ जो रेडियस का फॉर्मूला है उसमें डाल देना है। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ गिवन पावर सीरीज is given by 1 by r is equal to limit n tends to infinity mod of a n plus 1 by a n is equal to limit n tends to infinity, और इस वैल्यू को आप वहाँ पर डाल देना है 1 plus 3 by 2 to the power n by 2 plus 3 by 2 to the power n। जब हम लोग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, थ्री बाई इन्फिनिटी जीरो देगा, थ्री बाई इन्फिनिटी जीरो देगा, वन प्लस जीरो वन, टू प्लस जीरो टू, तो ये वन बाई टू हम लोगों को एक वैल्यू देगा। तो हम लोगों को वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई टू मिला, हेंस आर इज इक्वल टू टू। तो ये जो हम लोगों का पावर सीरीज है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोगों को टू मिला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को जो पावर सीरीज दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है, समेशन ऑफ फैक्टोरियल एन बाई एन टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन, जहाँ पे जो समेशन है वो एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी है। इसमें हम लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। गिवन पावर सीरीज इज समेशन फैक्टोरियल एन बाई एन टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन n is equal to 0 to infinity, compare it with the general form of power series a n x minus x naught to the power n, n is equal to 0 to infinity। तो हम लोगों को मिलता है a n is equal to factorial n by n to the power n, ओके और एक्स नॉट इस क्वेश्चन में भी जीरो है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सेंटर ओरिजिन पर है। तो हम लोग ए एन प्लस वन निकाल लें, और ए एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन प्लस वन बाई एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो अब हम लोग ए एन प्लस वन बाई ए एन का वैल्यू भी निकाल लें। नाउ थोड़ा नीचे से लिखते हैं, ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन का वैल्यू है फैक्टोरियल एन प्लस वन बाई एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन, और ए एन का वैल्यू है फैक्टोरियल एन बाई एन टू द पावर एन। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, और
ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन प्लस वन बाई एन प्लस वन टू द होल पावर एन प्लस वन इंटू एन टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल एन। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करें। एन प्लस वन फैक्टोरियल को एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन लिखा जा सकता है, इंटू इसे एन टू द पावर एन ही रहने दिया जाए, और एन प्लस वन का पावर एन प्लस वन को एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन टू द पावर एन लिखा जा सकता है, और ये फैक्टोरियल एन है। तो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा एन टू द पावर एन बाई एन प्लस वन टू द पावर एन। दोनों का पावर एन है, हम लोग इसको एक साथ मिला कर अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, एन बाई एन प्लस वन टू द पावर होल पावर एन। इस एन को अगर हम लोग नीचे ले आए, या यूं कहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एन से डिवाइड करने पर हम लोगों को मिलेगा वन बाई वन प्लस वन बाई एन टू द होल पावर एन। अब हम लोग इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, बाई ए एन इज इक्वल टू वन बाई वन प्लस वन बाई एन टू द पावर एन। चूंकि वन का पावर एन तो वन ही देगा, इसीलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हम लोग इस वैल्यू को अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ द गिवन पावर सीरीज will be given by 1 by r is equal to limit n tends to infinity mod of a n plus 1 by a n। और अब हम लोग को सिर्फ वैल्यू को यूज करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट n tends to infinity और ये है 1 by 1 plus 1 by n to the power n। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n tends to infinity 1 plus 1 by n to the power n। ये वैल्यू हम लोगों को e देता है, तो ये 1 by e हो गया। ये सब बेसिक हमने पढ़ चुका है क्लास 11-12 में, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इसका वैल्यू एक्सपोनेंशियल कैसे आता है। तो हम लोगों का r का वैल्यू आ जाएगा e, इसका वैल्यू हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2.73 मान के चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो पावर सीरीज हम लोगों को दिया गया है, समेशन ऑफ फैक्टोरियल एन बाई एन टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन वेयर एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसमें हम लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लगभग 2.73 यूनिट के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पावर सीरीज दिया गया है, समेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन टू द होल पावर एन स्क्वायर इंटू एक्स एन, जहां पे समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। तो यहां पे ये जो ए एन वाला टर्म है, ये हम लोग देख रहे हैं कि एन के पावर से, एन के सेकेंड पावर से रेज्ड है। इसका मतलब है कि यहां पे हम लोगों को कॉसी सेट ऑफ लिमिट्स में जो दूसरा नंबर वाला जो फॉर्मूला दिया गया था, अब हम लोग उस फॉर्मूला को यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, गिवन पावर सीरीज इज समेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर एन स्क्वायर एक्स एन, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इसमें ऑलरेडी ए एन अलग निकाला हुआ है, हम लोगों को अलग निकालने की जरूरत नहीं है। कंपेयरिंग इट विथ द जनरल फॉर्म ऑफ पावर सीरीज ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ भी एक्स नॉट वाला टर्म नहीं है, यानी कि ये भी ओरिजिन पे सेंटर्ड है। तो
हम लोगों को मिलता है ए एन इज इक्वल टू 1 + 1 बाई एन टू द पावर एन स्क्वायर। तो जब ए एन जो है वो एन के किसी पावर से रेज्ड होता है तो हम लोगों को ए एन प्लस वन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग उसे डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल सकते हैं। नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आर ऑफ गिवन पावर सीरीज इज गिवन बाय 1 / r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1 / n। तो देखते हैं क्या मिलता है, और 1 / r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन का वैल्यू है हम लोगों का 1 + 1 / n टू द पावर n स्क्वायर और इसका होल पावर है 1 / n जो फॉर्मूला में है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 / n और n स्क्वायर को ऊपर लिख दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 / n टू द पावर n, और ये तो एक्सपोनेंशियल है e, और 1 / r इज इक्वल टू e, हेंस r इज इक्वल टू 1 / e और e का वैल्यू लगभग 2.73 है। तो यहाँ पर हम लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया 1/2.73 के लगभग इस दिए गए पावर सीरीज के लिए। तो हम लोगों ने जो दो फॉर्मूले देखे थे लिमिट निकालने, पावर सीरीज दिए गए पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का कॉसी सेट ऑफ लिमिट्स से, तो उन दोनों को यूज करके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने की कोशिश की है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है समेशन ऑफ फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n का स्क्वायर x - 3i होल पावर n वेयर n इज इक्वल टू 0 to infinity। और हम लोगों के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन चार में से कौन सा एक ऑप्शन या एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही है, जिसमें से ऑप्शंस हैं द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इज 1/4। तो हम लोगों को चेक करना होगा कि ये जो पावर सीरीज हम लोगों को दिया गया है इसका क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r का वैल्यू 1/4 मिलता है। ऑप्शन बी है द पावर सीरीज कन्वर्जेस इन द ओपन डिस्क मोड ऑफ x - 3i < 1/4। तो अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो भी पावर सीरीज हम लोगों को दिया जाता है ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर n का समेशन ओवर n इज इक्वल टू 0 to infinity के फॉर्म में, और वहाँ पे जो उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है जिसको i से डिनोट करते हैं उसको लिखने का तरीका होता है i सच दैट x माइनस एक्स नॉट का मोड शुड बी लेस देन r। तो यदि ये r हम लोगों का पहला ऑप्शन अगर सही हो जाता है 1/4 के बराबर, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि x - 3i का मोड शुड बी लेस देन r हो जाएगा, यानी कि यदि ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है तो b भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और c नंबर जो ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि इसका सेंटर 3i है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट में ये जो x है ये हम लोगों का सेंटर ऑफ द गिवन पावर सीरीज कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का x नॉट की जगह पे 3i है, इसका मतलब है कि 3i इस दिए गए पावर सीरीज का सेंटर है, तो ये ऑप्शन सी तो सही है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है द पावर सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो यदि हम लोगों का r का एक वैल्यू आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली चेक करना है कि ये ऑप्शन सही है या नहीं, क्योंकि ये तो गलत हो गया, ये सही है। यदि ये सही हो जाता है तो ये भी सही होगा, तो हम लोगों को जस्ट फाइंड करना है इसका r का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं,
गिवन पावर सीरीज इज समेशन फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n का स्क्वायर x माइनस 3i टू द होल पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और हम लोग इसको कंपेयर करेंगे हम लोगों के जनरल फॉर्म से, इससे कंपेयरिंग इट विथ दिस वन वी गेट ए एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि an जो है वो n के किसी पावर से रेज नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पर an एन प्लस वन भी चाहिए होगा। तो an एन प्लस वन विल गिव 2n प्लस वन फैक्टोरियल बाय n प्लस वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। नाउ ए एन प्लस वन बाई ए एन विल बी फैक्टोरियल 2n प्लस वन बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल स्क्वायर बाई ए एन का वैल्यू है फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n स्क्वायर। और हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो ये हम लोगों को होगा ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस टू फैक्टोरियल बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल n का स्क्वायर बाई 2n का फैक्टोरियल। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस टू, 2n प्लस वन एंड 2n का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इंटू 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल यहाँ पे कट जाएगा और फैक्टोरियल n के स्क्वायर से फैक्टोरियल n का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, ऊपर में इतना ही बचना चाहिए और नीचे में बचेगा n प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे एक n प्लस वन बच जाएगा। तो हम लोगों को फाइनली मिलेगा ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू टू इंटू टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब यदि चूँकि आर जो होता है वो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी का लिमिट होता है, तो हम लोग यहाँ से एन को कॉमन निकाल लें, तो एन को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ पे बच जाएगा टू प्लस वन बाई एन बाई, यहाँ भी एन को कॉमन निकालें तो वन प्लस वन बाई एन, ये हम लोग का फाइनल वैल्यू आ गया ए एन प्लस वन बाई ए एन का। अब हम लोग निकाल लें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस वन बाई ए एन, इसमें इस वैल्यू को यदि डाल दिया जाए तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और एन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा टू 2 प्लस वन बाई एन बाई वन प्लस वन बाई एन। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो 2 प्लस जीरो विल 2, 2 इंटू टू 4 एंड 1 प्लस जीरो इज 1, सो इट विल गिव 4, 1 बाई 4 इज 1 बाई आर इज इक्वल टू 4, हेंस आर इज इक्वल टू 1 by 4, that is the radius of convergence of this power series will be 1 by 4, hence
इक्वेशन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन सी तो पहले से ही करेक्ट था, तो इसमें ये तीन ऑप्शंस सही हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला जाता है किसी एक दिए गए पावर सीरीज का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीका समझ में आया होगा और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, जो भी क्वेश्चंस किए हैं, या इस टॉपिक से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ओके, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।